वेलकम, माई सेल्फ राम लोवंशी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज क्लास, वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। आज हम देखेंगे कि C++ में इनपुट और आउटपुट, या सिंपल सा आपको अगर यूजर से इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, अगर आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करना है कंसोल पर तो उसके लिए कौन सा फंक्शन क्या करेंगे यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था, इनपुट आउटपुट, इनपुट के लिए हम यूज़ करते थे स्कैनएफ, और आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे आप, प्रिंटएफ। तो आज हम देखने वाले हैं कि C++ में प्रिंटएफ के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनएफ के प्लेस पे आप क्या यूज़ करेंगे। जैसे सी में प्रिंटएफ और स्कैनएफ आपके किस हेडर फाइल से आते थे, stdio.h से, ठीक उसी प्रकार प्रिंटएफ के प्लेस पे हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सी आउट, और स्कैनएफ के प्लेस पे हम यूज़ करेंगे सी इन। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं आपके आईओ स्ट्रीम के, ठीक। अगर आपको कंसोल पे इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन देन वी शुड गो फॉर सी आउट, इफ़ यू वांट टू टेक क्विक इनपुट फ्रॉम द यूज़र देन वी शुड गो फॉर सी इन। इट मीन जिस प्लेस पर हम सी लैंग्वेज में प्रिंटएफ यूज़ करते थे C++ में, उस प्लेस पे आप क्या यूज़ करेंगे, सी आउट। जहाँ पर आप स्कैनएफ यूज़ करते थे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सी इन। एक और सबसे अच्छी चीज़ C++ में ये होता है कि सी में अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो %d लिखना पड़ता है, अगर आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो %c लिखेंगे, फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो %f लिखेंगे। ऐसे इनपुट लेते वक्त भी अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेंगे तो क्या लिखेंगे, %d, और फ्लोट टाइप की वैल्यू लेंगे तो %f। लेकिन C++ में ऐसा कुछ नहीं होता, तो जो %d, %f, %c, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं जनरली फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो C++ में आपको कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करना। तो पहले हम देखते हैं इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट स्ट्रीम, जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं या आपको कुछ रिजल्ट डिस्प्ले करना है, आउटपुट के रूप में शो करना है, तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनपुट स्ट्रीम के बारे में। If the direction of the flow of bytes in from the device, for example keyboard to the main memory, then this process is called input। यानी कि हम जो keyboard के through आप input memory में send करते हैं वो आपका किसके through जाता है, input stream के through। इसके बाद output stream, if the direction of flow of bytes is opposite, that is from main memory to device display screen, then this process is called। यानी कि दो simple चीज होती है, एक input, दूसरा आउटपुट। तो यहाँ पर जो हम सी इन फंक्शन यूज़ कर रहे हो, किसका ऑब्जेक्ट होता है आपका, इनपुट स्ट्रीम का, और जो सी आउट आप यूज़ करेंगे वो किसका ऑब्जेक्ट होगा, आउटपुट स्ट्रीम का। अगर आपको इनपुट लेना है तो आप इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, अगर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है या आउटपुट शो करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम का। आईओ स्ट्रीम की अगर हम बात करें, आईओ स्ट्रीम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, दिस हेडर फाइल कंटेंस डेफिनेशन टू ऑब्जेक्ट लाइक सी इन सी आउट। यानी कि इसके अंदर इस फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, सी में सिर्फ हम हेडर फाइल यूज करते थे stdio.h, लेकिन C++ में मैंने एक तो लिखा आईओ स्ट्रीम और दूसरा यूजिंग नेम स्पेस stdio। जो आईओ स्ट्रीम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिक्लेरेशन, यानी कि उस फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा, और डेफिनेशन कहाँ पर मिलेगी उसे, यूजिंग नेम स्पेस stdio। ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, जैसे अदर लैंग्वेज में पैकेज होता है वैसे यहाँ पर C++ में क्या होता है, नेम स्पेस होता है। तो इस नेम स्पेस के अंदर सी आउट और सी इन की क्या होगी, डेफिनेशन। इसलिए हम आईओ स्ट्रीम को भी इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ हम नेम स्पेस भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आईओ स्ट्रीम है इसमें आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, और जो यूजिंग नेम स्पेस stdio हम लिख रहे हैं वो आपकी फंक्शन की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। यानी कि डिक्लेरेशन यहाँ मिलेगा और डेफिनेशन कहाँ पर होगी, यूजिंग नेम स्पेस stdio। इसलिए जो लेटेस्ट कंपाइलर में हम जनरली यूज करते हैं उसमें आपको यूजिंग नेम स्पेस stdio लिखना पड़ेगा। तो आईओ स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो आईओ स्ट्रीम वो हेडर फाइल होती है जिसके अंदर सी इन सी आउट के क्या होंगे, डिक्लेरेशन होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, द कीवर्ड्स सी आउट इन C++ एंड सी इन C++ आर यूज वेरी ऑफ्टन फॉर प्रिंटिंग आउटपुट एंड टेकिंग इनपुट्स रेस्पेक्टिवली। These two are the most basic methods of taking input and printing output in C++. To use C in and C out in C++, one must include the header file iostream in the program, और साथ ही साथ आपको using namespace stdio भी लिखना पड़ेगा। अगर आप C out C in का अपने program में use कर रहे हैं
तो कंपलसरीली आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सी हेडर फाइल यूज़ करते हैं हम? आईओ स्ट्रीम, और क्या यूज़ करेंगे? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, जैसे हम यूज कर रहे हैं सी आउट, यूजली द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इन द डिस्प्ले स्क्रीन, द सी प्लस प्लस सी आउट स्टेटमेंट इज द इंस्टेंस ऑफ द ओ स्ट्रीम क्लास। इट इज यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज यूजली द डिस्प्ले स्क्रीन। द डेटा नीडेड टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज इंसर्टेड इन द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम सी आउट यूजिंग द इंसर्सन ऑपरेटर। यानी कि इसके साथ जो हम सिम्बॉल यूज करते हैं इसे क्या बोलते हैं? इंसर्सन ऑपरेटर, और इसी को हम बोल सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, यूजली द इनपुट डिवाइस इज इन अ कंप्यूटर इज द कीवर्ड। सी प्लस प्लस सी इन स्टेटमेंट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास स्ट्रीम। यानी कि जो सी इन हम यूज कर रहे हो किस क्लास का इंस्टेंस या किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? आई स्ट्रीम का। और जो हम यूज करते हैं सी आउट, वो किस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है? ओ स्ट्रीम का। तो जो सी आउट है वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? ओ स्ट्रीम का। और जो सी इन है वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? आई स्ट्रीम का। एंड इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस विच इज यूजली अ कीबोर्ड। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी कि जो सी इन के थ्रू साथ जो हम सिंबल यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इज यूज अलोंग विद द ऑब्जेक्ट सीन फॉर रीडिंग इनपुट। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सीन विच इज इंटर्ड यूजिंग द कीबोर्ड। यानी कि कीबोर्ड से हम जो इंटर करते हैं वो सी इन के थ्रू हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो ये था हमारा सी आउट और सी इन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सी आउट और सी इन अगर हम यूज करते हैं तो कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा? आईओ स्ट्रीम डॉट आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम के अंदर आपको जनरली सी आउट सी इन का डिक्लेरेशन मिलेगा। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम इसलिए लिखते हैं कि जो सी आउट सी इन है उसकी डेफिनेशन आपको कहाँ पर मिलेगी? इनसाइड नेम स्पेस एसटीडी जो हम यूज कर रहे हैं वो। तो आर यूज, इट इज बिकॉज कंप्यूटर नीड्स टू नाउ द कोड फॉर द सी आउट सी इन फंक्शनैलिटी एंड इट नीड टू नाउ विच नेम स्पेस दे आर डिफाइंड। सो एज समरी, वाई यू नीड बोथ द हेडर फाइल एंड द नेम स्पेस टू रन अ सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम? बिकॉज कंप्यूटर नीड्स टू नाउ द डेफिनेशन ऑफ द कोड ऑफ द फंक्शनैलिटी इट इज डिफाइंड इन द हेडर फाइल। या सिंपल वर्ड में हम बोले तो जो हेडर फाइल है उसके अंदर सिर्फ आपको फंक्शन का डिक्लेरेशन मिलेगा, उसकी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी या फंक्शनैलिटी आपको? इनसाइड एसटीडी। सो हेडर फाइल नीड्स टू बी इंक्लूडेड। नेम स्पेस इज नीडेड बिकॉज इफ अ फंक्शनैलिटी इज लाइक सी आउट इज यूज बट नॉट डिफाइंड इन द करेंट स्कोप, कंप्यूटर नीड्स टू नाउ where to check. So name space need to be included because we are writing the code outside the std name space. तो यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं basically, अगर हम बात करें तो सी आउट जो है किसका ऑब्जेक्ट है? इंस्टेंस ऑफ ओ स्ट्रीम। और सी इन जो आपका किसका ऑब्जेक्ट है? इंस्टेंस ऑफ आई स्ट्रीम। इसलिए हम यहाँ पर जब हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो क्या लिखते हैं? आई ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम अगर लिखेंगे तो इनपुट के लिए होगा, ओ स्ट्रीम लिखेंगे तो आउटपुट के लिए होगा। तो यहाँ पर जो आईओ स्ट्रीम हम यूज कर रहे हैं उससे ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होगा? यूज होगा। तो अब हम देखेंगे सैंपल प्रोग्राम से हेलो वर्ड यूजिंग सी प्लस प्लस, कि आपको सी प्लस प्लस के थ्रू क्या करना है? सैंपल प्रोग्राम बनाना है जिसमें हेलो वर्ड क्या करना है? प्रिंट करना है। तो अभी हम देखेंगे, कमेंट में मैंने लिखा सैंपल प्रोग्राम। हेडर फाइल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल दैट कैन कंटेन सी आउट सी इन डिक्लेरेशन। और यूजिंग नेम स्पेस की अगर हम बात करें तो ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि जो सी आउट सी इन यूज करेंगे उसका डिक्लेरेशन या सॉरी डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? इसके अंदर आपका सी आउट सी इन का डिक्लेरेशन है, उसकी फंक्शनैलिटी या डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? एसटीडी में। और जैसे मेन मेथड हम जैसे सी में लिखते थे सेम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? इंट मेन और रिटर्न व्हाट? जीरो। इन सी प्लस प्लस इफ वी वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, अगर सी प्लस प्लस में आपको कुछ भी स्क्रीन पे क्या करना है? डिस्प्ले करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? सी आउट। सी आउट किस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है? देखिए यहाँ पर आ रहा है ओ स्ट्रीम, दिस इज इंस्टेंस ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास।
और यहाँ पर मैसेज जैसे हम सी में लिखते थे डबल कोट्स के अंदर, वैसे आप यहाँ पर लिखोगे हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी प्लस प्लस। इतना करने के बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करोगे तो ये आउटपुट में आपका क्या आएगा, हेलो वर्ड यूजिंग सी प्लस प्लस। तो ये तो था सिंपल प्रोग्राम से हेलो वर्ड यूजिंग सी प्लस प्लस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है और उसका रिजल्ट क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो मुझे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेके उसका एडिशन करवाना है दो नंबर का। तो इसी में हम देखेंगे, कमेंट में हम लिख देंगे एडिशन प्रोग्राम। ठीक, तो यहाँ पर हेडर फाइल तो आपका वही यूज़ होगा। कौन सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे, आईओ स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि सी आउट सी इन अगर हम प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो आपको ये हेडर फाइल कंपलसरी इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस। क्यों, क्योंकि जो सी आउट सी इन होता है उसका डिक्लेरेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, इनसाइड सी एस टी डी। तो हमने यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी यहाँ पर भी लिखा। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो, हमारे सामने कुछ भी आउटपुट आए, तो कंपलसरीली आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रोग्राम रन कहाँ से होता है, मेन से। अगर आप मेन नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे हमने देखा, अगर आपको एडिशन करना है तो पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने सी में बनाया था, सेम प्रोग्राम यहाँ पर भी है, बस आप जहाँ पर प्रिंट एफ यूज़ करते थे वहाँ पर आप सी आउट यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आप स्कैन एफ यूज़ करते थे उसके प्लेस पे हम यूज़ करेंगे सी इन। तो यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी और सी। ए और बी जिनको ऐड करना है, सी जिसमें ऐड करने के बाद रिजल्ट को क्या करना है, स्टोर करना है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि आपके कंपाइलर को नहीं पता कि ए बी सी क्या है। तो अगर हम ये लाइन लिख देते हैं तो हमारा कंपाइलर एज्यूम करके चलता है कि ए बी सी ऐसे वेरिएबल है जो किसी भी नंबर को स्टोर कर सकता है। लेकिन इंटीजर लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। डिक्लेयर करने के बाद आपने वेरिएबल को इनिशलाइज किया 89 और b इक्वल टू मैंने लिख दिया 11। जब भी आप डायरेक्ट असाइन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑपरेटर आता है और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, आपका वैल्यू, जिस भी वैल्यू से आप क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा कहलाएगा इनिशियलाइजेशन। जब आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया तो फाइनल स्टेप क्या बचती है आपकी, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करें। जैसे अब मुझे ऐड करना तो मैं क्या लिखूंगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, कि आपने जो दो नंबर को ऐड करने के बाद किस में असाइन किया, रिजल्ट सी में। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट किस में है, सी में। अगर आपको सी प्लस प्लस में कुछ भी आउटपुट शो करना रहता है तो अभी हमने देखा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सी आउट। साथ ही साथ आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में आए तो सी प्लस प्लस में लाइन चेंज करने के लिए, जैसे हम सी में यूज़ करते थे स्लैश एन, सी प्लस प्लस में उसी के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, एंड एल। क्या यूज़ करना है आपको, एंड एल क्या करता है, लाइन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी आपको लग रहा है तो आप स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं। मैसेज आपको देना है एडिशन। ठीक, इसके पहले हमने देखा था कि ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। बेसिकली अगर आपको कंसोल पे कुछ भी शो करना रहता तो हम सी आउट का यूज़ करते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करना है, सी की, तो हमने क्या लिख दिया, इंसर्शन ऑपरेटर सी। तो ये कंसोल पे क्या मैसेज देगा, एडिशन 100। क्यों, क्योंकि 89 प्लस 11 अगर हम ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी रिजल्ट, दैट इज 100। तो देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 100। तो इस टाइप से आप क्या कर रहे हैं, सी आउट का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमने जो वैल्यू असाइन की है वो वैल्यू क्या है, डायरेक्ट है। हम चाहते हैं कि हम यूज़र से नंबर इनपुट लें, यूज़र रन टाइम पे जो नंबर इंटर करे वो वेरिएबल उस वैल्यू से क्या हो, इनिशियलाइज। तो मैसेज देने के लिए अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो पहले मेरे सामने इस टाइप से मैसेज आए, कैसे, इंटर वैल्यू ऑफ है, फिर आप जो भी इंटर करो, सपोज मैंने यहाँ इंटर किया 4, तो ये 4 किस में असाइन होना चाहिए, एम है। उसके बाद मैसेज आए इंटर वैल्यू ऑफ बी, ठीक,
तो सपोज मैंने इंटर किया 5, तो 5 किस में असाइन होना चाहिए? बी में. तो इस टाइप से आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, व्हाट विल बी रिजल्ट, एडिशन दैट इज 9. ठीक, तो पहले अगर आपको मैसेज देना है तो सिर्फ ये दो लाइन चेंज होंगे ना. मैसेज देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेन सी आउट. इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले कंसोल देन वी शुड गो फॉर सी आउट. तो मैंने क्या मैसेज दिया, इंटर वैल्यू ऑफ ए डबल कोट्स के अंदर कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं, लेकिन डबल कोट्स के बाहर जो वेरिएबल आपने जिस केस में डिक्लेयर किया है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा. अब हम यूजर्स इनपुट लेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सी इन. आप देख रहे होंगे सी इन किस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, आईएस स्ट्रीम. क्लियर यहां तक? और यहां पर ये जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. और उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू क्या करना है, स्टोर करना है. सेम कॉन्सेप्ट आप किसके लिए लगाएंगे, दूसरे के लिए. सी आउट मैसेज में हमने लिखा इंटर वैल्यू ऑफ बी तो जो आप दूसरा नंबर इंटर करेंगे वो किस में आ जाएगा, बी में. ठीक, उसके बाद ऑपरेशन में आपका कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करना भी आपका. सिर्फ जहां हम सी में प्रिंट एफ यूज करते थे उसके प्लेस पे मैंने यहाँ पर सी आउट यूज किया है, जहां पर मैं स्कैन एफ यूज करता था वहां पर क्या यूज किया है, सीन. बाकी पूरा कोड आपका एज इट इज क्या रहेगा, सेम. इतना करने के बाद आप प्रोग्राम को पहले क्या करेंगे, कंपाइल. कंपाइल कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने पहला मैसेज आएगा इंटर वैल्यू ऑफ ए. सपोज हमने इंटर किया 5, फिर मैसेज इंटर वैल्यू ऑफ बी. तो जो आपने 5 इंटर किया वो किस वेरिएबल में जाएगा, ए में. और सपोज मैंने इंटर किया 6, ये 6 किस में असाइन होगा, बी में. तो आप देखेंगे एडिशन क्या आ जाएगा आपका, 11. इस टाइप से आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, एरे, कुछ भी आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सी आउट, और इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सी इन. क्लियर यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे के कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक, थैंक यू.